हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन के नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में कि सैमसंग ने इसके अंदर रिसेंटली एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो है प्रोवाइड करा है इंडिया के अंदर। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, कितने MB के अपडेट की फाइल है, कौन से महीने का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाते हैं, पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे अपडेट मिला है सैमसंग के M52 स्मार्टफोन के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे चैनल पे मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी कभी जो है अपडेट से रिलेटेड भी वीडियो जो है मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर चलते हैं और अपने देख लेते हैं यहाँ पे सैमसंग के M52 5G स्मार्टफोन के लिए एक नया अपडेट जो है हमें देखने को मिला है। देख सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल है सैमसंग मोबाइल अपडेट, यहाँ पे देख सकते हैं। और हम अगर सैमसंग के M52 5G स्मार्टफोन के अपडेट फाइल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी अपडेट की फाइल लगभग 395 MB के आसपास की, 395 MB का अपडेट की फाइल है। मई का सिक्योरिटी पैच जो है देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर कुछ ऑफिशियल ऐप्स है जो कि सैमसंग के M52 5G स्मार्टफोन के अंदर जो है गैलेक्सी स्टोर पे अपडेट अवेलेबल जो मिले हैं। तो इस अपडेट को अपडेट करने के बाद जो है गैलेक्सी स्टोर से सभी ऐप्स को भी यहाँ पे जो है अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 395 MB के अपडेट की फाइल है, मई का सिक्योरिटी पैच देखने को जाते हैं और इसके अंदर जो है सैमसंग ने डिवाइस के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया है, डिवाइस के सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है, बग को फिक्स किया है, नए पुराने फीचर को इम्प्रूव किया है। तो जो भी यहाँ पे सैमसंग का M52 5G स्मार्टफोन यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर मैनुअली अपना फोन अपडेट कर लीजिएगा। यही थी इन्फॉर्मेशन जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।